हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा लेटेस्ट ब्लॉग है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों कि नालागढ़ से लेकर पिंजौर तक जो हाईवे है 4 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे इसका काम चल रहा है और आने वाले 1.5 साल में ये 4 लाइन बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से शॉर्टकट में चंडीगढ़ पहुँच जा सकते हो और मनाली, कीरतपुर, कैंची मोड़ से होकर बिलासपुर को भी जा सकते हो। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना यहां पर काम चला हुआ है इस वक्त। दोस्तों, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और धीरे धीरे चला हुआ है पर आने वाले 1.5 साल में बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा। और ये जो 4 लाइन दोस्तों, ये कम से कम 6-7 साल पहले बनना चाहिए था क्योंकि बद्दी से लेकर नालागढ़ तक इंडस्ट्री एरिया है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है इस रोड में। रात दिन बहुत ज़्यादा गाड़ियों को आना जाना रहता है इस। दोस्तों, गैप में ये 4 लाइन बनाया जा रहा है और कहीं जगह अभी काम चालू भी नहीं हुआ है और छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित किया गया है और जो नालियां हैं, ड्रेनिंग सिस्टम है, वो कंप्लीट कर दी गई है। बाकी ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये डेंटल कॉलेज के बाहर जो ब्रिज बन रहा है दोस्तों, उसकी है। और इससे आगे जो आएगा एरिया वो है मलपुर, और मलपुर के आगे आएगा संडोली के आगे आएगा बद्दी बाईपास, और बाईपास के पास ही बद्दी का नया बस स्टैंड बनने जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रात के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है इस रोड में, ये देखिए हर टाइम बिजी रहता है ये रोड। NH 105 स्वारघाट नालागढ़ बद्दी पिंजौर चंडीगढ़ हाईवे, ये है बद्दी का बस स्टैंड। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बस स्टैंड में कितना 4 लाइन का काम चला हुआ है। बस स्टैंड के बीचों बीच ये 4 लाइन का एरिया आ गया है, तो इसे 4 लाइन वाले रिकवर करेंगे। और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।